पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना। इसका समाकल ज्ञात करने के लिए हम पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे दो भागों में विभक्त करते हैं जिनमें से एक भाग हर अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल एन। अब डी बाई डी एक्स के बाद जो पद लिखा हुआ है उसका अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू ए एक्स प्लस बी। यह मान हम वहां पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल एन। आगे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टू ए एम इंटू एक्स प्लस एम बी प्लस एन। अब दोनों पक्षों पर उचित गुणांकों की तुलना करने पर अर्थात x की समान घात वाले पदों की गुणांकों की तुलना हम करेंगे तो लेफ्ट साइड पर देखिए कि x का गुणांक p है और राइट साइड पर x का गुणांक है 2am। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 2am इक्वल टू p। इसे सरल करने पर हमें मिल जाएगा m इक्वल टू p बाई 2a। इसी प्रकार एम बी प्लस एन इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। अब m और n के दोनों मानों को हम समाकलन के लिए उपयोग करेंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन पी बाई टू ए इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस q माइनस पी बी अपॉन टू ए होल अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि अंश जो है वो दो अलग अलग पदों का योगफल है, दोनों को अलग अलग योग के रूप में हम लिख करके सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड पर इक्वल टू पी बाई टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए देन इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना कि यह आई वन प्लस आई टू है अर्थात पहला समाकलन आई वन है और दूसरा समाकलन आई टू है। तो आगे हम सरल करेंगे I1 प्लस I2 के फॉर्म पर जहां पर I1 इक्वल टू है P अपॉन 2A इंटू इंटीग्रेशन साइन 2AX प्लस B अपॉन स्क्वायर रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इंटू DX। माना कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू T है तब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा 2AX प्लस B इंटू DX इक्वल टू DT। इन दोनों मानों को हम रख देंगे तो I1 इक्वल टू P अपॉन 2A इंटीग्रेशन साइन T का पावर माइनस 1 बाई 2 dt। सरल करने पर आपको मिल जाएगा I1 इक्वल टू P अपॉन 2A इंटू T का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। तो हमें मिल रहा है I1 इक्वल टू P अपॉन A इंटू T का पावर 1 बाई 2। इस प्रकार यह मान रख देते हैं T का मान तो हमें मिल जाएगा I1 इक्वल टू P अपॉन A इंटू स्क्वायर रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। और I2 का मान हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं तो वहां से यह मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन PX प्लस Q अपॉन स्क्वायर रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इंटू DX इक्वल टू P by A into square root over AX square plus BX plus C plus in bracket Q minus PB upon 2A into integration sine DX upon square root over AX square plus BX plus C। तो यह मूलभूत अवधारणा है, आपको प्रक्रिया याद होनी चाहिए
और प्रक्रिया पता होने पर आप किसी भी प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से सरल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें प्रश्न है x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3। तो इसका समाकलन करने के लिए हम पहले लिखेंगे कि माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 देन dx। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमने देखा है कि अंश में जो राशि दी गई है उसे m और हर में वर्गमूल के अंदर जो राशि दी गई है उसके अवकलन और एक अन्य राशि के योग के रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम सरल करेंगे। ये आ जाएगा m और 2x², इसको अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 4x, और x का अवकलन करेंगे मिल जाएगा 1, और फिर ये प्लस n। अब देखिए x प्लस 1 इक्वल टू है 4m इंटू x प्लस m प्लस n। अब गुणांकों की जब तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पर x है, यहाँ पर 4m है, तो इसका मतलब ये कि 4m इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा m इक्वल टू 1/4। तो ये एक रिजल्ट है जिसका कि उपयोग हम आगे करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट है 1 और यहाँ पर है m प्लस n। हम लिखेंगे m प्लस n इक्वल टू 1, या फिर n इक्वल टू 1 माइनस m इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 3/4। m का मान मिल चुका है, n का मान मिल चुका है। अब माना कि ये समीकरण एक है, उस पे हम x के x प्लस 1 के स्थान पर इसे रखेंगे तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू x प्लस 1, और x प्लस 1 लिखेंगे m इंटू, तो ये इंटीग्रेशन साइन 1/4 d/dx ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3, और फिर n प्लस n, तो ये प्लस 3/4 और अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू, इस पद को अलग लिख लेते हैं और इस पद को अलग लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये 1/4 इंटीग्रेशन साइन d/dx ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस x माइनस 3। इसे हम लिखते हैं 1/4 i1 और 3/4 i2। माना ये जो प्रथम पद है इंटीग्रेशन के बाद में, इसे हम i1 मान रहे हैं, और दूसरे पद में इंटीग्रेशन के बाद में जो पद हमें दिखाई दे रहा है या इंटीग्रेशन वाला जो पद दिखाई दे रहा है उसे हमने i2 माना है। अब i1 और i2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस समीकरण में रख देंगे। माना कि यह समीकरण 2 है, तो i1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन d/dx ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3। इसका जब अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 dx। इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। माना कि 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। इस प्रतिस्थापन का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं और आपको मिल जाएगा i1 इक्वल टू dt अपॉन स्क्वायर रूट t।
अर्थात इंटीग्रेशन साइन टी का पावर माइनस वन बाई टू डी टी, समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा टी का पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। इसे सरल करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू आपको मिल जाएगा वन बाई टू, और यहाँ पर भी मिल जाएगा वन बाई टू। तो ये टी का पावर वन बाई टू और ये वन बाई टू प्लस सी। तो अल्टीमेटली आप इसे लिख सकते हैं टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर टी प्लस सी। अब स्क्वायर रूट टी, यहाँ पर हम टी का मान रख देते हैं, तो आपको मिल रहा है आई वन इक्वल टू टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। माना कि ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये समीकरण तीन है। अब हम आई टू को सरल करते हैं, ये आपको मिला था इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। इस प्रकार के प्रश्न में हम यह कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो वह एक हो, तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टू को यदि आप उभयनिष्ठ ले लें तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस थ्री बाई टू। अब इसे पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू हम डिवाइड कर रहे हैं, ये टू हो गया, ये ए हो गया, और टू और टू फोर, फोर वन बाई फोर जो है ये बी हो गया। तो वन बाई फोर का स्क्वायर वन बाई सिक्सटीन, ये ऐड कर रहे हैं और ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये माइनस थ्री बाई टू ये प्रश्न में है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें एक्स प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टू, फिर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर, और जब इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 16 और 2 का एलसीएम मिल जाएगा 16, और 1 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 25 मिल जाएगा, माइनस 25 अपॉन 16। तो इसे आप लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन माइनस फाइव बाई फोर का स्क्वायर। क्या देखते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये जानते हैं कि ये होता है लॉग लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग करके डायरेक्टली हम इसका समाकलन लिख सकते हैं, और ये होगा 1 बाई टू पहले से है इसमें, और फिर हम लिखेंगे log of x, x के स्थान पर है x प्लस 1 बाई फोर, फिर है प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वर्गमूल के अंदर जो राशि हमने लिखा था वही हम लिखेंगे, ये है x प्लस 1 बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस 25 बाई 16 है, तो उसको हम लिखेंगे 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आगे से हम सरल करते हैं, तो लिखेंगे आई टू वन बाई रूट टू लॉग, और फिर पहले पद में लघुत्तम समापवर्त निकाल करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन 4, और इसी प्रकार वर्गमूल के अंदर जो राशि है उसमें हर में 4 है और उसका वर्ग है, तो अगर यहां पर भी हम सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। अब यदि चाहें तो समीकरण में हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें प्लस सी वन लिख सकते हैं जो कि एक समाकलन नियतांक है। अब वर्गमूल के अंदर यहां पर ये जो राशि दिखाई दे रही है इसमें वर्ग है और नीचे में चार चार है और उसका वर्ग है, तो यहां से हम जो चार है उसे उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वन बाई टू लॉग फोर एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस
फाइव का स्क्वायर, देन होल अपॉन में आएगा फोर, तो ये इसे हम लिख पाएंगे माइनस लॉग फोर आगे हम लिखेंगे। और प्लस सी वन, जहां पर सी वन समाकलन नियतांक है, मान लेते हैं कि यह समीकरण चार है। और यदि आप इसे और तो वर्ग करके सरल कर देंगे और इस पद को यहां से, तो मान को हम समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो में वह मान हम रख देते हैं जहां पर हमें प्राप्त हुआ था I इक्वल टू वन बाई फोर इंटू आई वन प्लस थ्री बाई फोर आई टू। तो ये वन बाई फोर आई वन का जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये है दो वर्गमूल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी और फिर प्लस थ्री बाई फोर, ये हमें मिल गया है वन बाई रूट टू लॉग ऑफ फोर एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट फोर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर। माइनस वन बाई रूट टू लॉग फोर और प्लस सी वन। तो आगे से हम और सरल करें, सारे कांस्टेंट को एक ऐड करके हम एक तीसरा कांस्टेंट का नाम दे देंगे सी टू या फिर सी थ्री, और आगे से सरल करते हैं। टू बाई फोर जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू, फिर स्क्वायर रूट ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। फिलहाल ये सी वन और वन बाई फोर इंटू सी वन सी इसे हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में हम ऐड कर देंगे प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा थ्री अपॉन फोर रूट टू और फिर लॉग फोर एक्स प्लस वन प्लस ये जो क्वांटिटी दिख रही है स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम एक्सपेंशन कर देते हैं और आपको मिल जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी फोर। और इस कांस्टेंट को 1 बाई फोर सी और ये जो सी वन है इसको ऐड करके हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं सी टू, जहाँ पर सी टू जो है यह समाकलन नियतांक है। तो यह वह अभिष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था, दिया गया है 3x प्लस वन ऑन स्क्वायर रूट ओवर माइनस 2x माइनस एक्स। तो इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए या समाकलन करने के लिए पहले हम हर में दिए गए पद का को पूर्ण वर्ग के अंतर या योग के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये 3x प्लस वन अंश में जो पद है वो उसी प्रकार बना रहेगा और वर्गमूल के अंदर हर में जो राशि दी गई है इसमें से यदि आप माइनस कॉमन लेंगे तो मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ और फिर ये 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और अगर मैं माइनस वन कर दूँ तो ये हमें x प्लस वन का होल स्क्वायर मिल जाएगा और ये माइनस मिल करके हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा प्लस। तो ये आप इसे लिख सकते हैं 3x प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 प्लस वन सिक्स, सिक्स माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो माना कि दिए गए पद का या फलन का समाकलन है i, ये 3x प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसी पद को सरल करके हमने ये लाया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 6 को हम स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर ये dx। इसका क्यों उपयोग हम बाद में करेंगे, पहले ये जो 3x प्लस वन है, माना कि 3x प्लस वन इसको हम m
और डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो हर में जो पद है 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन के पदों में लिखते हैं। अब इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा m इंटू, यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस 2 और ये माइनस 2x प्लस एन, और सरल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 2mx ये पद और इसका गुणा, फिर माइनस 2m और फिर ये प्लस n। अब यदि आप गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर तो आप देख पा रहे हैं कि x का जो गुणांक है ये 3 है और यहां पर जो x का गुणांक है ये माइनस 2m है, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस 2m इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये m की वैल्यू हो गई। अब माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 1 प्लस 2m, 1 प्लस m 2 इंटू m और m की वैल्यू है माइनस 3 बाई 2, ये और 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, तो यहां से आपको मिल रहा है n इक्वल टू माइनस 2। m और n की वैल्यू आपको मिल गई है, ये मान हम रख देते हैं, तो इस प्रकार हमें मिल रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, देखिए 3x प्लस 1 को हमने लिखा है m इंटू दिस और m का मान है माइनस 3 बाई 2, इसका अवकलन करने पर हमें मिल रहा है माइनस 2 माइनस 2x और फिर ये माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये dx। इसमें से माइनस और इसमें से माइनस निकल करके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इस यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 बाई 2 ये वाला पद, फिर इंटीग्रेशन साइन 2 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर ये वाला टर्म माइनस 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। माना कि ये जो i है ये 3 बाई 2 आई 1 माइनस 2 इंटू आई 2 है, अर्थात ये समाकलन वाला पहला पद i1 है और ये दूसरा समाकलन वाला पद जो है ये i2 है। माना कि ये समीकरण एक है, अब i1 और i2 का मान निकाल करके समीकरण में रख देंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो दिए गए फलन का समाकलन होगा। तो आइए पहले सरल करते हैं i1 को, तो i1 जो है ये है 2 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 2 और ये माइनस 2x dx इक्वल टू dt, या फिर इसमें से यदि आप माइनस को कॉमन लें तो 2 प्लस 2x इंटू dx इक्वल टू माइनस dt, ये मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा i1 इक्वल टू माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर t, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और ये है t का पावर माइनस 1 बाई 2 dt इक्वल टू माइनस साइन t का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 ये इस तरीके से हमें मिल चुका है और प्लस सी जहां पर सी समाकलन नियतांक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी का पावर 1 बाई 2, टी का पावर 1 बाई 2 को हम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं और यहां पर भी आपको मिल जाएगा 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 प्लस सी। अब ये जो 2 है ये अंश में चला जाएगा और टी की जगह हम इसका मान रख देते हैं, तो आई वन इक्वल टू आपको मिल रहा है माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम इसे C1 ले लें, ये C1, तो ये I1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। अब हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन माइनस 2 माइनस 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर
फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस टू को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है, और फिर वर्गमूल के अंदर जो राशि है इसमें से अंतिम दो पदों से यदि हम माइनस कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस टू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फाइव माइनस, और ये माइनस प्लस सिक्स, और फिर माइनस ये प्रथम तीन पद हमें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दे रहे हैं। या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब इस प्रकार का समाकलन आप सरल कर चुके हैं, जब भी आपको मिलता है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे आप लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका उपयोग करके हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस टू तो पहले से है, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस वन, और ए के स्थान पर है स्क्वायर रूट सिक्स प्लस सी टू, जहाँ पर सी टू समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार आपको आई टू की वैल्यू मिल रही है माइनस टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट सिक्स प्लस सी टू। ये आई वन की वैल्यू और ये आई टू की वैल्यू, इन दोनों को हम समीकरण एक में मान रख देते हैं। अब समीकरण एक में मान रखने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू थ्री बाई टू आई वन था, और आई वन का मान हमें मिला है माइनस टू स्क्वायर रूट ओवर फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, और आई टू, और आई टू का मान हमें मिला है माइनस टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट सिक्स प्लस सी टू। आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा और टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू सी वन, और यहाँ पर जो सी टू है उसे हम ऐड करके एक दूसरा कांस्टेंट सी थ्री दे देंगे, या फिर सी उपयोग कर सकते हैं। फिर ये माइनस टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट सिक्स प्लस सी, जहाँ सी इक्वल टू थ्री बाई टू सी वन प्लस सी टू है। तो ये दिए गए पद का या फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।